हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर को बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, कार्क के सेक्शन में देखे गए मधुमक्खी के छत्ते के समान छोटे कोष्ठकों को रॉबर्ट हुक ने क्या नाम दिया था? यानी कार्क के जो टुकड़ा था उसमें मधुमक्खी के छत्ते के समान जो संरचनाएं रॉबर्ट हुक ने देखी उन्हें क्या कहा? तो इसका आंसर होगा, उन्हें उन्होंने कोशिका कहा था, कोशिका नाम दिया था। इन्होंने सन 1665 ईस्वी में कार्क के टुकड़े में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचनाएं देखी और उन्हें कोशिका नाम दिया था। अगला प्रश्न है, कोशिका के अंदर पाए जाने वाले संपूर्ण सजीव पदार्थ को जीवद्रव्य नाम किसने दिया? कोशिका के अंदर जो संपूर्ण सजीव पदार्थ पाया जाता है उसे जीवद्रव्य किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा, पुरकिंजे ने। यानी कोशिका में उपस्थित द्रव्य को पुरकिंजे ने सन 1840 में जीवद्रव्य बताया था। फिर अगला प्रश्न है, सन 1838 में किस वैज्ञानिक ने पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत दिया था या कोशिका सिद्धांत स्थापित किया था? तो आंसर होगा, MJ स्लीडन। अगला प्रश्न यहीं पर आपको बताते चलें, सन 1839 में किस प्राणी वैज्ञानिक ने जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत स्थापित किया? तो आंसर होगा, थियोडर सान। तो पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत MJ स्लीडन, जंतुओं के लिए कोशिका सिद्धांत थियोडर स्वान। तो कुल मिलाकर के अगर कोशिका सिद्धांत की बात की जाए तो कोशिका सिद्धांत मैथियास लेडन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। यानी इस सिद्धांत के अनुसार क्या था कि शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है जो शरीर की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती हैं। ये सिद्धांत में कहा गया था ये। तो अगर प्रश्न में पौधों के लिए कोशिका सिद्धांत पूछता है तो आप बताएंगे स्लेडन ने दिया, अगर जंतुओं के लिए पूछता है तो स्वान ने दिया, अगर केवल कहता है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया तो आप बताएंगे स्लेडन तथा स्वान ने प्रस्तुत किया था। और यदि किसी परीक्षा में कभी पूछ लेता है कि कोशिका सिद्धांत है क्या, तो शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है या सेल्स का बना होता है जो शरीर की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाइयां होती हैं। ये स्लेडन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत प्रस्तुत किया था। आते हैं अगले प्रश्न पर, आधुनिक शोधों के अनुसार कौन एक उच्च स्तरीय व्यवस्थित आणविक कारखाना है? तो आंसर होगा, कोशिका आधुनिक शोधों के अनुसार एक उच्च स्तरीय व्यवस्थित कारखाना है। अगला प्रश्न है, कोशिका की संरचना के आधार पर इनके कौन कौन से प्रकार हैं? यानी संरचना के आधार पर कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? तो संरचना के आधार पर कोशिकाएं मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं, नंबर एक प्रोकैरियोटिक, नंबर दो यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीवों में, यूकैरियोटिक यानी सभी पादप और जंतुओं में। तो प्रोकैरियोटिक हम आपको बता दें किन किन जीवों में, जैसे जीवाणुओं में, नीलहरित शैवाल में आदि में प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाएं सभी पादप यानी सभी पौधों में और जंतुओं में यूकैरियोटिक कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका की संरचना के आधार पर दो प्रकार की कोशिकाएं हो गई। अगला प्रश्न है, किस वैज्ञानिक के अनुसार जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार है? तो आंसर होगा, हक्सले। हक्सले ने सन 1868 ईस्वी में बताया कि जीवद्रव्य जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला है, किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्य सिद्धांत तो प्रस्तुत किया? जीवद्रव्य सिद्धांत मैक्स सुल्ज ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, जलीय पौधों में कितने प्रतिशत तक जल होता है? जो जल में पौधे पाए जाते हैं उसमें कितने प्रतिशत तक जल होता है? तो लगभग में 95% तक जलीय पौधों में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, बीज व स्पोर में कितने प्रतिशत जल होता है? यानी जो बीज होते हैं उनमें कितने प्रतिशत तक जल होता है? तो 10 से 15% तक बीजों में जल पाया जाता है। अगला प्रश्न है, कोलाइड बिलियन के होने के कारण जीवद्रव्य कैसी गति प्रदर्शित करता है? तो जीवद्रव्य ब्राउनियन गति प्रदर्शित करता है। अगला है, जीवद्रव्य का कौन सा भाग केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है? तो आंसर होगा, कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है। अगला, कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली लचीली एवं अर्धपारगम्य झिल्ली क्या कहलाती है? यानी जो कोशिकाओं के चारों ओर एक पतली लचीली अर्धपारगम्य झिल्ली होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कोशिका कला या जीवद्रव्य कला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, रिक्तिका में किसकी उपस्थिति के कारण फूलों व फलों में विभिन्न रंग उत्पन्न होते हैं?
तो रिक्तिका में एंथोसाइनिन होता है। एंथोसाइनिन वर्णक के कारण फूल व फल विभिन्न रंग के होते हैं, यानी एंथोसाइनिन के कारण ही फूल और फल विभिन्न रंगों में पाए जाते हैं। फिर अगला है, टमाटर के तरुण अंडाशय में क्या उपस्थित होते हैं? तो टमाटर के तरुण अंडाशय में ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट यानी हिंदी में कहें तो अवर्णी लवक होते हैं, जो रंगहीन होते हैं। अवर्णी लवक कैसे होंगे? रंगहीन हो तो जो टमाटर का तरुण अंडाशय होता है उसमें अवर्णी लवक पाया जाता है या ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है। अगला है, प्लास्टिड्स शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने किया था? तो प्लास्टिड्स का मतलब होता है लवक, तो लवक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम सिंपर ने किया था। अगला है, प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है? तो प्रकाश संश्लेषण की कार्यात्मक इकाई हरित लवक है, अर्थात जब हरित लवक पौधों में होगा तभी प्रकाश संश्लेषण होगा। जहाँ पर हरा भाग होगा वहीं पर प्रकाश संश्लेषण होगा। हरा भाग नहीं है, क्लोरोफिल नहीं है, हरित लवक नहीं है, तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, सूर्य के प्रकाश में छोटे ल्यूकोप्लास्ट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? सूर्य के प्रकाश में छोटे ल्यूकोप्लास्ट किस में परिवर्तित हो जाते हैं? तो छोटे ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का मतलब होता है आवरणी लवक, ल्यूकोप्लास्ट यानी आवरणी लवक। तो आवरणी लवक किस में परिवर्तित हो जाते हैं सूर्य के प्रकाश में? तो हरित लवक में। जैसे आपने देखा होगा जो जड़ें होती हैं, या जैसे आलू ले लीजिए, जो अगर सूर्य के प्रकाश में बाहर निकल आया है तो वो हरा हो जाता है, यानी हरित लवक में बदल जाता है या क्लोरोप्लास्ट में बदल जाता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट, यानी सूर्य के प्रकाश में छोटे ल्यूकोप्लास्ट किस में परिवर्तित होंगे? क्लोरोप्लास्ट में अथवा हरित लवक में परिवर्तित हो जाएंगे। अगला प्रश्न है, सामान्यतः जड़ों में उपस्थित कौन सी रचना स्टार्च का संग्रहण करती है? जड़ों में उपस्थित कौन सी रचना स्टार्च का संग्रहण करती है? तो आंसर होगा एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट है क्या, आपको बता देते हैं, ये अवर्णी लवक का एक भाग होता है, यानी ल्यूकोप्लास्ट का एक भाग होता है एमाइलोप्लास्ट। यहीं पर आपको बताते चलें कि ल्यूकोप्लास्ट को भिन्न भिन्न नाम दिए गए हैं, यानी ल्यूकोप्लास्ट मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट। जो एमाइलोप्लास्ट होता है ये शर्करा को मंड में बदलकर एकत्रित करता है, और जो इलियोप्लास्ट होता है ये तेल को संचित करता है, और जो प्रोटीनोप्लास्ट होता है ये प्रोटीन को संचित करता है। आते हैं अगले प्रश्न पर, बीजों में पाई जाने वाली कौन सी रचना वसा का संग्रहण करती है? अभी आपको बताया है, बीजों में पाई जाने वाली वसा का संग्रहण कौन करेगी, यानी ऐसी कौन सी रचना होती है जो वसा का संग्रहण करती है? तो इलियोप्लास्ट, मैंने आपको बताया तेल का संचय करता है, यानी वसा का संचय करता है, तो इलियोप्लास्ट इसमें सही हो जाएगा। अगला है, बीजों में पाई जाने वाली कौन सी रचना प्रोटीन का संग्रहण करती है? तो प्रोटीन का संग्रहण मैंने बताया था प्रोटीनोप्लास्ट करेगी। तो ये तीनों, एमाइलोप्लास्ट, इलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, ये ल्यूकोप्लास्ट या अवर्णी लवक के भाग होते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर, किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तथा कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं? किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी? तो क्लोरोफिल के द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। अगला प्रश्न है, क्लोरोप्लास्ट झिल्ली किससे बनी होती है? क्लोरोप्लास्ट झिल्ली लिपोप्रोटीन से बनी होती है। अगला है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखने पर स्ट्रोमा की समांतर झिल्लियों की विस्तृत प्रणाली को क्या कहते हैं? तो आंसर होगा पटलिकाएं या लैमेली कहा जाता है। अगला, केराटिनाइड्स तथा जेंथोफिल वर्णक किसमें सहायक होते हैं? तो केराटिनाइड्स तथा जेंथोफिल वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। अगला, सेंट्रोसोम या ताराकाय की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो सेंट्रोसोम या ताराकाय की खोज टी बॉबेरी ने की थी। अगला है, प्रत्येक सेंट्रोसोम कितने सेंट्रियोल का बना होता है? तो प्रत्येक सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल का बना होता है। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारक काय भी कहा जाता है, और चूंकि ये दो सेंट्रियोल का बना होता है इसीलिए इसे डिप्लोसोम भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम आपको बता दें किसमें पाया जाता है, तारक काय किसमें पाया जाता है, तो ये कुछ निम्न श्रेणी के पौधों में पाए जाते हैं, जैसे शैवाल की कोशिकाओं को छोड़कर यह रचना अन्य पादप कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है, यानी यह रचना या कह लीजिए तारक काय या सेंट्रोसोम अन्य पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से ये प्रश्न हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर, अंतःद्रव्यी जालिका किन कोशिकाओं में पाई जाती है? तो अंतःद्रव्यी जालिका यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में तो बहुत सारे अंग पाए ही नहीं जाते हैं। अगला प्रश्न है, अंतःद्रव्यी जालिका की झिल्लियाँ किससे बनी होती हैं? तो अंतःद्रव्यी जालिका की झिल्लियाँ प्रोटीन व फास्फोलिपिड्स की बनी होती हैं।
अगला प्रश्न है, अंतःद्रव्यी जालिका या इसे अंग्रेजी में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है, इसकी बाह्य सतह पर उपस्थित असंख्य लघु कण क्या कहलाते हैं, यानी जो छोटे छोटे से कण चिपके रहते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें राइबोसोम कहा जाता है। इसकी बाह्य सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं। यहीं पर आपको बताते चलें कि जिस पर राइबोसोम चिपके रहते हैं उसे कणिकामय अंतःद्रव्यी जालिका कहा जाता है, और जिस पर नहीं चिपके होते हैं उसे अकणिकामय अंतःद्रव्यी जालिका कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अथवा अंतःप्रद्रव्यी जालिका या अंतःद्रव्यी जालिका मुख्य रूप से दो प्रकार की होती है, कणिकामय और अकणिकामय। कणिकामय उसे कहेंगे जिस पर राइबोसोम चिपके होंगे, और अकणिकामय उसे कहेंगे जो बिल्कुल स्मूथ होगी, चिकनी होगी, जिस पर राइबोसोम के कण नहीं चिपके होंगे। आते हैं अगले प्रश्न पर, राइबोसोम में क्या पाया जाता है, तो आंसर होगा आरएनए। आरएनए राइबोसोम में पाया जाता है। अगला है, राइबोसोम के कौन से दो प्रकार होते हैं, तो कुल मिलाकर के राइबोसोम मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जबकि 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं, कोशिका का शक्ति ग्रह माइटोकांड्रिया को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि ऊर्जा उत्पादन तथा उसको एटीपी के रूप में बंधित करने के गुण के कारण इसे कोशिका का विद्युत ग्रह अथवा पावर हाउस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पौधों में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है, तो आंसर होगा पौधों में कार्बोहाइड्रेट 15% होता है। अगला, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट कितने प्रतिशत होता है, तो जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट लगभग में 1% होता है। अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा कितनी होती है, तो अंगूर में ग्लूकोज की मात्रा लगभग में 15%। गन्ने में कितने प्रतिशत सुक्रोज होती है, तो गन्ने में 10-15% तक सुक्रोज पाई जाती है। अगला प्रश्न है, पदार्थों का कौन सा समूह कार्बनिक विलायकों में घुलनशील रहता है, तो आंसर होगा लिपिड्स। लिपिड्स कार्बनिक विलायकों में घुलनशील रहता है। अगला, उपापचयी क्रियाओं में किसका प्रयोग किया जाता है, तो उपापचयी क्रियाओं में बीकर का प्रयोग किया जाता है, बीकर यानी एंजाइम का प्रयोग करते हैं। अगला, कौन सा वर्णक पुष्पों के रंगीन दलों के लिए उत्तरदायी होता है, एंथोसाइनिन, यानी जो पुष्प रंगीन होते हैं वो एंथोसाइनिन वर्णक के कारण होते हैं। अगला, ग्लूकोज फ्रुक्टोज तथा सुक्रोज किसमें उपस्थित होते हैं, तो मकरंद में या कह लीजिए शहद में ग्लूकोज फ्रुक्टोज और सुक्रोज उपस्थित होते हैं। अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है या किससे बनी होती है, तो कोशिका भित्ति सेल्युलोज की बनी होती है। अगला है, कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ लिग्निन का क्या कार्य होता है, तो कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ लिग्निन का कार्य यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करना, यानी लिग्निन क्या करता है, यांत्रिक दृढ़ता प्रदान करता है। और कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ सुबेरिन का क्या कार्य है, तो सुबेरिन जल हेतु अपारगम्यता प्रदान करता है। सुबेरिन जो पदार्थ होता है वो जल हेतु अपारगम्यता प्रदान करता है। और अगला प्रश्न है, कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ का कार्य जल हेतु अपारगम्यता वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करना है, यानी ऐसा कौन सा पदार्थ है जो अपारगम्यता और वाष्पोत्सर्जन पर नियंत्रण करता है, तो आंसर होगा क्यूटिन। जो क्यूटिन होती है वो ऐसा करती है। अगला है, कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ सेल्युलोज का क्या कार्य है, तो सेल्युलोज कोशिका भित्ति का स्थूलन करता है। अगला, कोशिका भित्ति पर जमे पदार्थ पैक्टिन का क्या कार्य होता है, पैक्टिन मुख्य रूप से भित्तियों को घुलनशील अवस्था में लाता है। अगला है, कोशिका की समस्त जैव क्रियाओं का नियमन कौन करता है, तो कोशिका की समस्त जैव क्रियाओं का नियमन केंद्रक करता है या न्यूक्लियस करता है। अगला प्रश्न है, क्रोमैटिड्स पर अनेक मणिकाकार उभार क्या कहलाते हैं, क्रोमैटिड्स पर अनेक मणिकाकार उभार क्रोमोमियर्स कहलाते हैं। अगला, लिंग गुणसूत्र किन दो प्रकार के होते हैं, लिंग गुणसूत्र एक्स तथा वाई होते हैं। अगला, किस वैज्ञानिक ने जीन शब्द दिया था, जीन्स शब्द जोहानसन ने दिया था। जीन्स होते क्या हैं आपको बता देते हैं, ये एक अंतिम इकाई है जो किसी लक्षण की आनुवांशिकी को नियंत्रित करती हैं, यानी जीन डीएनए के अणु का एक ऐसा खंड होता है जो किसी एक विशिष्ट प्रकार के प्रोटीन के संश्लेषण का नियमन करता है, उसे ही जीन्स कहा जाता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पर, किसी लक्षण की आनुवांशिकी को नियंत्रित करने वाली इकाई क्या कहलाती है, तो किसी लक्षण की आनुवांशिकी को नियंत्रित करने वाली इकाई जीन कहलाती है। अगला, समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप केंद्रक कितने केंद्रकों में बढ़ जाते हैं, तो समसूत्री जब विभाजन होता है तो दो केंद्रकों में केंद्रक बढ़ता है।
अगला, एक मात्र कोशिका से कितनी संतत कोशिकाएं बनती हैं? एक मात्र कोशिका से समसूत्री विभाजन में दो संतति कोशिकाएं बनती हैं। कोशिका विभाजन के मुख्य दो महत्वपूर्ण विभाजन कौन कौन से होंगे? तो सूत्री विभाजन तथा अर्धसूत्री विभाजन दो महत्वपूर्ण विभाजन होते हैं। अगला प्रश्न है, सूत्री विभाजन किन कोशिकाओं में नहीं होता है? सूत्री विभाजन जनन कोशिकाओं में नहीं होता है। अगला, प्रत्येक गुणसूत्र में कितने क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं? तो प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड्स दिखाई देते हैं, और दोनों क्रोमेटिड्स अगर पूछा जाए किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, तो दोनों क्रोमेटिड्स सेंट्रोमियर के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। तो प्रत्येक गुणसूत्र में दो क्रोमेटिड्स होंगे और जुड़े किसके द्वारा होंगे? सेंट्रोमियर के द्वारा जुड़े होंगे। चलिए अब कोशिका या सेल के अलावा कुछ अन्य प्रश्न भी आपको बता देते हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला प्रश्न है, चने में किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो इसका आंसर होगा अधोभूमिक अंकुरण। अधोभूमिक अंकुरण किनमें किनमें पाया जाता है, कुछ और उदाहरण आपको बता देते हैं। जैसे मटर, मूंगफली, आम, मक्का आदि में भी अधोभूमिक अंकुरण पाया जाता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण में बीज पत्र भूमि के ऊपर निकल जाने पर यह किस प्रकार का अंकुरण होता है? तो उत्तर होगा इसका भूम्योपरिक अंकुरण होता है। भूम्योपरिक अंकुरण के अंतर्गत क्या क्या आता है, कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं आपको बता दें। इमली, कपास, खीरा, पपीता, नीम, सेम आदि भूम्योपरिक अंकुरण के उदाहरण होते हैं। इन दोनों प्रश्नों पर कुछ संक्षिप्त जानकारी आपको और बता देते हैं। टाइप्स ऑफ जर्मिनेशन या अंकुरण के प्रकार में अंकुरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, भूम्योपरिक अर्थात एपिगिल और अधोभूमिक अर्थात हाइपोगिल। तो जो भूम्योपरिक अंकुरण होता है या एपिगिल जर्मिनेशन होता है, इसमें अंकुरण के समय बीज पत्राधार तीव्र गति से वृद्धि करता है, जिससे बीज पत्र भूमि के बाहर निकल आते हैं, और इसे ही भूम्योपरिक अंकुरण कहा जाता है। अर्थात जब बीज पत्र भूमि से बाहर निकल आए तो उसे भूम्योपरिक अंकुरण, उदाहरण के रूप में अभी आपको बताया ही था इमली, कपास, खीरा। और अधोभूमिक अंकुरण में क्या होगा, जब बीज पत्र भूमि के अंदर ही रह जाते हैं तो उसे अधोभूमिक अंकुरण कहा जाता है। इसमें जैसे चना है, मटर है, मूंगफली है आदि उदाहरण आते हैं। अगला प्रश्न है, बीजांकुरण में नमी के अभाव में क्या होता है? मतलब जब बीज अंकुरित होने लगता है और नमी न रहे तो क्या होगा? तो इसका आंसर होगा अंकुरण नहीं होगा। अर्थात नमी के ना होने पर अंकुरण नहीं होगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि बीजों के अंकुरण के लिए मुख्य रूप से जल, वायु, ताप, खाद्य पदार्थ आदि चीजों की आवश्यकता होती है, और जल या नमी ना होने पर अंकुरण नहीं होगा। अगला प्रश्न है, मक्का के दाने के किस भाग में भोजन संग्रहित रहता है? तो मक्का का दाना एक बीजपत्री पौधा होता है या एक बीजपत्री बीज होता है? तो मक्का के दाने में भोजन भ्रूणपोष में संग्रहित रहता है, अथवा भ्रूणपोष को अंग्रेजी में कहें तो इंडोस्पर्म में संग्रहित रहता है, संचित रहता है। अगला प्रश्न है, उस संरचना का नाम बताइए जिसके द्वारा बीज फल से लगा रहता है। यानी ऐसी संरचना का नाम बताना है जिससे बीज फल से जुड़ा हुआ होता है। तो आंसर होगा इसमें बीजांड वृंत, अर्थात बीजांड वृंत के द्वारा बीज फल से लगा होता है। अगला प्रश्न है, बीजों के अध्ययन के लिए कितने घंटे पूर्व उन्हें भिगो देना चाहिए? अगर बीजों का हम अध्ययन करना चाहते हैं, उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो बीज को कितने घंटे पहले भिगोना चाहिए? आंसर होगा इसमें 24 घंटे पहले भिगो देना चाहिए। अगला प्रश्न है, संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा कौन करता है? तो संपूर्ण बीज के विभिन्न भागों की रक्षा बीजावरण करता है, अर्थात जो बीज के ऊपर कवच रहता है कठोर सा, वही उसके विभिन्न भागों की रक्षा करता है। अगला प्रश्न है, पौधे का पूरा प्ररोह तंत्र किससे बनता है? तो पौधे का पूरा प्ररोह तंत्र प्रांकुर से बनता है। जब बीज को मिट्टी में दबाया जाता है तो उसमें सबसे पहले मूलांकुर और फिर प्रांकुर निकलता है। मूलांकुर नीचे की ओर यानी मिट्टी की ओर अंधकार में जाता है, और जबकि प्रांकुर प्रकाश की ओर ऊपर की ओर जाता है। इसलिए प्रांकुर से पौधे का निर्माण होता है या प्ररोह तंत्र का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण में सबसे पहले वृद्धि कौन करता है? तो अभी मैंने बताया, अंकुरण जब होता है यानी मिट्टी में बीज को दबाया जाता है,
तो मूलांकुर ही सबसे पहले निकलता है, जड़ ही सबसे पहले बनती है और बाद में प्रांकुर निकल करके बाहर की ओर आता है। अगला प्रश्न है, अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं कौन कौन सी हैं? तो अंकुरण के लिए आवश्यक दशाएं भोजन, ऑक्सीजन, नमी, ताप आदि चीजें होती हैं। अगला, बीजपत्र मृदा से बाहर क्यों निकल आते हैं? तो जब बीज पत्राधार या हाइपोकॉटिल में अधिक वृद्धि होती है तभी बीजपत्र बाहर निकलते हैं, अर्थात बीज पत्राधार में अधिक वृद्धि के कारण बीजपत्र मृदा से बाहर निकल आते हैं। अगला प्रश्न है, अधोभूमिक अंकुरण में बीजपत्र भूमि में क्यों रह जाते हैं? यानी जब अधोभूमिक अंकुरण होता है तो उसमें बीजपत्र भूमि के अंदर ही क्यों रह जाते हैं? तो इसका आंसर होगा, बीजपत्रोपरिक पे वृद्धि होती है, अर्थात जब बीजपत्रोपरिक में वृद्धि होगी या एपिकॉटल में वृद्धि होगी तब क्या होगा कि बीजपत्र भूमि में ही रह जाते हैं। तो जब हाइपोकॉटल में वृद्धि होती है तो बीजपत्र भूमि से बाहर निकल आते हैं, मृदा से बाहर निकल आते हैं, लेकिन जब एपिकॉटल में वृद्धि होती है तो बीजपत्र भूमि में ही रह जाते हैं। अगला प्रश्न है, बीज क्या है या बीज किसे कहते हैं? तो बीज फल के अंदर बनने वाली वह विशेष संरचना होती है जो बीजांड के निषेचन के बाद परिवर्धित तो होती है, उसे ही बीज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बीज कितने प्रकार के होते हैं? तो बीज मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री। इस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल से देख सकते हैं एक बीजपत्री क्या है, द्विबीजपत्री क्या है और इन दोनों का अंतर वाला भी वीडियो पड़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, भ्रूण के भाग बताइए। तो भ्रूण के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, बीजपत्र और अक्ष या भ्रूणाक्ष। तो भ्रूण या एम्ब्रियो के मुख्य रूप से दो भाग होते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडंस। इस प्रकार से इसके दो भाग हो गए, बीजपत्र और अक्ष। अगला प्रश्न है, चने के बीज का आकार लिखिए। तो इसका आंसर होगा, चने के बीज छोटे आकार के होते हैं और एक ओर चौड़े तथा दूसरी ओर क्या होते हैं, चोंचदार होते हैं, जैसे पक्षियों की चोंच होती है। अगला प्रश्न है, अंकुरण कितने प्रकार का होता है? तो अभी मैंने इसके पहले बताया था, अंकुरण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, भूमिपरिक अंकुरण और अधोभूमिक अंकुरण। अगला प्रश्न है, जरायुषता क्या होती है? तो बीज का फल के अंदर ही अंकुरित होना जरायुषता कहलाती है और एक शर्त है, जब वह मात्र पौधे से ही लगा हो, अर्थात इसकी परिभाषा होगी, जब बीज मात्र पौधे से लगा हो और फल के अंदर ही अंकुरण हो जाए तो उसे ही जरायुषता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन की उपयोगिता के प्रदर्शन में क्षारीय पाइरोगैलोल का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन को सोख लेता है और ऑक्सीजन के बिना अंकुरण नहीं होता है। अगला प्रश्न है, जीवों के नामकरण की द्विनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका आंसर होगा, कैरोलस लीनियस ने किया था। इन्हें फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है, अथवा कहा जाए हिंदी में तो वर्गीकरण का पिता भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो इसका आंसर होगा, प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन ने किया था। अगला प्रश्न है, जेनेटिक कोड की खोज किसने की? तो जेनेटिक कोड की खोज हर गोविंद खुराना ने की थी। अगला प्रश्न है, विश्व में कितने प्रकार की वस्तुएं मिलती हैं? विश्व में कितने प्रकार की वस्तुएं? तो मुख्य रूप से दो प्रकार की, जीवित और निर्जीव, अर्थात जीवित और अजीवित, मतलब लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, दो प्रकार की वस्तुएं विश्व में होती हैं। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट हुक ने किस शब्द को प्रतिपादित किया था? तो रॉबर्ट हुक ने सेल को प्रतिपादित किया या कोशिका को खोजा था। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में की थी। अगला प्रश्न है, प्रथम वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो प्रथम वैक्सीन बनाने वाले वैज्ञानिक लुई पास्चर थे। नेक्स्ट, टोबैको मोजैक वायरस को विमुक्त करने का कार्य किसने किया था? तो टोबैको मोजैक वायरस को विमुक्त करने का कार्य W.M. स्टैनले ने किया था। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान क्या है? तो जीवित वस्तुओं के विज्ञान को ही जीव विज्ञान कहा जाता है या जीवित वस्तुओं के ज्ञान को ही जीव विज्ञान कहते हैं।
अगला प्रश्न है, आकारिकी क्या है? तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधे के विभिन्न भागों की रचना और रूप के बारे में ज्ञान कराती है, उसे आकारिकी कहा जाता है। आकारिकी को अंग्रेजी में मॉर्फोलॉजी कहा जाता है। तो वह शाखा जो पौधे के विभिन्न भागों की रचना और रूप के बारे में ज्ञान कराती है, उसे ही आकारिकी कहते हैं। अगला है, पारिस्थितिकी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो पारिस्थितिकी के अंतर्गत वातावरण के अनुसार पौधे अथवा पौधों की बनावट और उनके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी को अंग्रेजी में इकोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के अध्ययन का प्रमुख उद्देश्य पौधों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना है, अर्थात पौधों के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना ही बॉटनी का उद्देश्य है या वनस्पति विज्ञान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, पौधों से प्राप्त होने वाली दो औषधियों के नाम लिखिए। ऐसी दो औषधियों के नाम बताना है जो पौधे से प्राप्त होती हैं, तो कुनैन और पेंसिलीन पौधे से प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो जीव विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान होती हैं। अर्थात जीव विज्ञान को या बायोलॉजी को दो भागों में बांटा गया मुख्य रूप से, जूलॉजी एंड बॉटनी, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। अगला प्रश्न है, वनस्पति विज्ञान की शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो वनस्पति विज्ञान की प्रमुख शाखाएं मुख्य रूप से मौलिक वनस्पति विज्ञान तथा दूसरी व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान होती है। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान की दो शाखाओं का वर्णन कीजिए। तो व्यवहारिक वनस्पति विज्ञान की दो प्रमुख शाखाएं कृषि विज्ञान और मृदा विज्ञान है। इसके अलावा भी जैसे हॉर्टिकल्चर या उद्यान विज्ञान होता है, पादप रोग विज्ञान या प्लांट पैथोलॉजी होता है, भेषज विज्ञान होता है, और भी कई शाखाएं हैं इसमें जो व्यवहारिक विज्ञान के अंतर्गत आती हैं। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में कहा गया था कि किन्हीं दो शाखाओं को बताइए, तो दो शाखाएं मुख्य रूप से कृषि विज्ञान यानी एग्रीकल्चर और मृदा विज्ञान। अगला प्रश्न है, वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो इसका उत्तर होगा ओसवाल टिप्पो ने, अर्थात वनस्पति जगत का आधुनिक वर्गीकरण ओसवाल टिप्पो ने सन 1942 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न है, ब्रायोफाइटा संघ के दो प्रमुख लक्षण बताइए। ब्रायोफाइटा संघ के दो लक्षणों में पहला पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है और दूसरा प्रायः ये नम स्थानों पर उगते हैं या छायादार स्थानों में पाए जाते हैं। ये दो प्रमुख लक्षण होते हैं ब्रायोफाइटा संघ के। अगला प्रश्न है, अनावृत बीजी एवं आवृत बीजी पौधों में प्रमुख अंतर बताइए, अर्थात जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बीच प्रमुख अंतर बताना है। तो इसका आंसर होगा, अनावृत बीजी पौधों में एकल निषेचन होता है जबकि आवृत बीजी पौधों में दोहरा निषेचन होता है। इसके अलावा भी कुछ अंतर आपको बता देते हैं। जो जिम्नोस्पर्म होते हैं इनके जननांग शंकु के रूप में होते हैं, जबकि जो एंजियोस्पर्म होते हैं इनके जननांग पुष्प बनाते हैं, अर्थात पुष्प में बदल जाते हैं। और एक बता देते हैं आपको कि इनमें जो अनावृत बीजी होते हैं या जिम्नोस्पर्म होते हैं इनमें परागण वायु के द्वारा होता है, जबकि जो आवृत बीजी होते हैं या एंजियोस्पर्म होते हैं इनमें परागण वायु, कीट, जल एवं अन्य जंतुओं के द्वारा भी होता है। तो आशा है मेरे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न और उनके उत्तर आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए।